बीते दिनों कांग्रेसी द्वारा किए गए सीटी बजाओ सांसद जगाओ अभियान के तहत बीजेपी सांसदों को घेरने के जवाब में भाजपा ने अब प्रदेश की कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसका नेतृत्व खुद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। शहर में कानून व्यवस्था के गिरते स्तर को मुद्दा बनाते हुए भाजपा ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इंदौर में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में शहर में हो रही लूट चोरी डकैती और बढ़ते अपराधों को लेकर हुंकार भरी और एसएसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने रीगल चौराहे पर बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शहर के विधायक रमेश मेंदुला, पार्षद, शहर अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा में कैलाश विजयवर्गीय के आते ही कार्यकर्ताओं में जोश पैदा हो गया और वे जोर जोर से नारे लगाने लगे। सभा को संबोधित करते हुए सूबे के इस कद्दावर नेता ने कमलनाथ सरकार और सीएम कमलनाथ पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार गुंडों और डकैतों की सरकार है। साथ ही पुलिस प्रशासन पर तंज कसते हुए कहा कि शहर में पुलिस सो रही है और गुंडे जाग रहे हैं। इसके अलावा सीएम कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इंदौर में जितने भी पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है वो सब कमलनाथ को कुछ ना कुछ जमा करा कर आए हैं। यह आंदोलन इस बात के लिए है कि पुलिस सो रही है और गुंडे जाग रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि इंदौर हर विषय में नंबर वन आ रहा है और आने की कोशिश कर रहा है, पर कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ये शहर 60 नंबर पर पहुंचता जा रहा है। इसलिए चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया है। हमेशा हमने इंदौर को नंबर वन रखा है, किसी भी क्षेत्र में हमने नंबर वन बनाने की कोशिश की है। उसमें जनता की जन भागीदारी है, जनता स्वयं इस इंदौर शहर से प्यार करती है, इसलिए अपना सेक्रीफाइस भी करती है, अपना नुकसान भी होने देती है। हमें हटाना है किसी का उठना, लोग कहते तोड़ दो हटा दो, पर शहर का विकास होना चाहिए। इसकी अनुपस्थिति में इंदौर के शहर के लोगों ने पुलिस की चिंता नहीं की, बोले ठीक है हम चौकीदार रख लेते हैं। अब तो चौकीदार का जीवन भी संकट में होगा। प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी को रखने के बाद गुंडे डकैत इतने निश्चिंत हो गए कि वो उन सुरक्षा कर्मियों को प्राइवेट उनको भी हाईजेक कर लेते हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ के डीआईजी मैडम ही है ना, वही है। हाँ, मेरे को किसी ने बताया कि गाना भी बहुत अच्छा गाती है, मेरे लगते हुआ किसी ने वीडियो दिया। भाई गाना गाना बुरी बात नहीं है मैडम, अच्छा है आप गाना गाइए, मैं भी गाना गाता हूँ, पर कम से कम जहाँ मौका है तो वहाँ बजाइए भी। वहीं इंदौर के बीजेपी शहर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा ने मीडिया से कहा कि यह ज्ञापन चेतावनी है कि यदि शहर में अपराधियों पर लगाम नहीं लगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और पुलिस प्रशासन को चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। माननीय कैलाश जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की और उनके नेतृत्व में हमने आज एसएसपी को ज्ञापन दिया। ये ज्ञापन प्रतीकात्मक है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चेतावनी बतौर, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, पुलिस प्रशासन को चैन से नहीं रहने देंगे। इंदौर शहर से हम अपराध का खात्मा समूल से चाहते हैं, ये मांग हमने उसमें की है।
वहीं सीएसपी ज्योति उमठ ने मीडिया को बताया कि बीजेपी द्वारा आज एसएसपी के नाम कानून व्यवस्था को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसे एसएसपी साहिबा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। आज जो बीजेपी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें वो शहर में कानून व्यवस्था के ऊपर उनका पूरा ज्ञापन था और वो ज्ञापन अभी श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा लिया गया है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां रख रहे हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जनता चैन से नहीं रह पाती तो पुलिस प्रशासन चैन से नहीं बैठ पाएगा। देखिए, सरकार तो फेल है और आम नागरिक के ऊपर जब परेशानी हो रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया है। लोगों में असुरक्षा की भावना आ गई है, पुलिस पर भरोसा नहीं है तो लोग सुरक्षा एजेंसियाँ रख रहे हैं। अब सुरक्षा एजेंसियों को भी किडनैप किया जा रहा है तो क्या सेंट्रल फोर्स मंगाएंगे, क्या करेंगे? मतलब आम आदमी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करे, आज प्रश्न चिन्ह ये है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया है, ये हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है। यदि जनता चैन से नहीं रह पाएगी तो पुलिस प्रशासन भी चैन से नहीं बैठेगा, ये हम चेतावनी दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस ज्ञापन के माध्यम से पुलिस में थोड़ी सी सक्रियता है, सतर्कता है और जनता की चिंता करें। बीते दिनों शहर में कई तरह की बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई हैं, जिसको लेकर शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।